वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस, ओपन योर बुक्स, ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 5, पेज नंबर 23, यूनिट नंबर 2 एंड लेसन नंबर 4। दिस मॉर्निंग इज़ आर हिस्ट्री टेस्ट, यानी कि आज सुबह हमारा तारीख का टेस्ट है। इसमें हम सबसे पहले वर्ड्स टू नो करेंगे, वर्ड्स मीनिंग्स करेंगे, उसके बाद हम इसकी पोइम की जो ट्रांसलेशन और वर्ड्स मीनिंग्स हैं उनकी तरफ जाएंगे। टेक पेंसिल्स इन योर हैंड्स एंड स्टार्ट राइटिंग विद मी। मेयोनीज, अ थिक क्रीमी ड्रेसिंग फॉर फूड, यानी कि एक गहरी मोटी, थिक का मतलब होता है मोटी, क्रीमी ड्रेसिंग, क्रीमी जो तय होती है फॉर फूड्स, खाने के लिए, मेड फ्रॉम एग योक, जो कि अंडे की जर्दी से बनाई जाती है, ऑयल से, तेल से एंड विनेगर और सिरके से, ठीक है, तो वो मेयोनीज होती है। टेनेसी, अ स्टेट इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका की एक की रियासत में कोई एक जो शहर होता है, ठीक है, वो है टेनेसी। टिम्बकटू, अ सिटी इन माली, माली में एक शहर। नाउ वी हैव टू मूव ऑन टू वर्ड्स मीनिंग्स एंड ट्रांसलेशन ऑफ दिस लेसन। दिस मॉर्निंग इज़ आर हिस्ट्री टेस्ट, आज सुबह हमारा तारीख का टेस्ट है। आई हैव पिन्ड माई नोट्स इन साइड माई वेस्ट, मैंने अपने जो नोट्स हैं वो पिन किए हैं, यानी कि छुपा लिए हैं, इन साइड माई वेस्ट, अपनी सदरी में, यानी कि ज़ेर जामा, जो शर्ट के नीचे वेस्ट पहनी जाती है, ये वहाँ उसकी बात हो रही है, ठीक है। इन साइड माई कोट, मेरे कोट के अंदर, आई रॉट माई नोट्स, मैंने अपने नोट्स लिखे हैं, इंक्लूडिंग डेट्स एंड फेमस कोट्स, जिसमें तारीख और अकवाल, मशहूर अकवाल और तारीखों समेत लिखे हैं। आई हैव रिटन मोर अपॉन माई हैंड, इसके अलावा मज़ीद मैंने अपने हाथों पे लिखा है, दैट ओनली आई कैन अंडरस्टैंड, जो कि सिर्फ मैं ही समझ सकता हूँ, एंड इन माई सॉक्स एंड स्लीव्स आई स्टोर्ड, के मैंने अपनी जुराबों में, यानी कि मोज़ों में, जो सॉक्स होती हैं, ठीक है, मोज़ों में और अपनी आस्तीन में, स्लीव्स होते हैं जो आपकी आस्तीनें होती हैं, बाजू होते हैं आपकी ड्रेस के, आस्तीनों में ठूंस कर भरे हैं, स्टोव होता है ठूंस कर भरना। माई स्क्रिबल्ड नोट्स इन सीक्रेट कोड, मैंने खुफिया तरीके से, बदहती से, यानी कि बहुत गंदी राइटिंग में लिख के तो इन्हें रखा है। आई हैव रिटन डाउन सो मैनी नेम्स, मैंने बहुत ज़्यादा नाम लिखे हैं ऑफ विनर्स ऑफ ओलंपिक गेम्स के, ओलंपिक में, खेलों में जीतने वालों के, ऑफ बिल्डिंग्स, पीपल, प्लेसेस टू, के इमारतों के और लोगों के और जगहों के नाम भी लिखे हैं। फ्रॉम टेनेसी टू टिम्बकटू, टेनेसी और टिम्बकटू से, टेनेसी से लेके टिम्बकटू तक, आई इवन कॉपीड डाउन अ पीस, मैंने एक और टुकड़े की भी नकल उतारी है, ऑन एंशियंट रोम एंड एंशियंट ग्रीस के, जो के रोम और यूनान के, एंड कदीम रोम और कदीम यूनानी इसके ऊपर, प्लस एवरीथिंग फ्रॉम शेक्सपियर प्लेस, और इसके अलावा शेक्सपियर के ड्रामों के बारे में भी, हर चीज़, टू हु इन्वेंटेड मायोनीज, के जिसने मायोनीज ईजाद की है, यहाँ तक कि मैंने उसका भी लिखा है। आई केम टू स्कूल सो वेल प्रिपेयर्ड, मैं बहुत अच्छा सा तैयार होके, सो वेल होता है बहुत अच्छा सा, प्रिपेयर्ड होता है तैयार होना, मैं स्कूल बहुत अच्छा तैयार होकर आया। आई वॉज नॉट नर्वस, मैं घबराया हुआ नहीं था, नर्वस होते घबराना या परेशान होना, आई वॉज नॉट नर्वस, वॉजंट स्केयर्ड, कि मैं घबराया हुआ भी नहीं था और मैं डरा हुआ भी नहीं था, स्केयर होता है डरना, बट हियर इट इज़ द हिस्ट्री टेस्ट, लेकिन यहाँ हिस्ट्री टेस्ट है। आई लुक इन साइड माई कोट एंड वेस्ट, मैंने अपने कोट के अंदर और वेस्ट के अंदर देखा, टू गेट द डेट्स एंड फेमस कोट्स, के जो तारीखें और मशहूर अकवाल देख सकूँ, एंड फाइंड आई कॉन्ट रीच माई नोट्स, और मैंने, मुझे ये पता चला कि मैं नोट्स को नहीं पढ़ सकता, सो मच फॉर शेक्सपियर ग्रीस एंड रोम, और इसके अलावा शेक्सपियर ग्रीस और रोम के बारे में भी नहीं पढ़ सकता था। आई लेफ्ट माई ग्लासेस बैक एट होम, मैं अपने ग्लासेस या अपने चश्मे घर भूल आया था। यहाँ तक आपकी वर्ड्स मीनिंग्स और ट्रांसलेशन कंप्लीट होती है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, आपने इनको अच्छी तरह से लर्न करना है, क्लास वर्क एंड होमवर्क में राइट करना है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।